आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार के बारे में। तो हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होता है कि ये इनमें क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं मैच्योर फाइब्रोब्लास्ट के का और ब्लड वेसल्स इनमें मिनिमल होते हैं कंडीशन में। केलॉइड में क्या होता है कि प्रोलिफरेशन हो जाता है इमैच्योर फाइब्रोब्लास्ट का ऊपर वाले में। हाइपरट्रॉफी स्कार में क्या हो रहा था कि हाइपरट्रॉफी हो रहा था मैच्योर फाइब्रोब्लास्ट का और केलॉइड में प्रोलिफरेशन हो रहा है इमैच्योर फाइब्रोब्लास्ट का इमैच्योर ब्लड वेसल्स। केलॉइड ज्यादा कॉमन पाया जाता है ब्लैक्स में और लीस्ट कॉमन पाया जाता है कॉकेशियंस में। टाइप्स ऑफ केलॉइड की बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं एट्रोफिक हाइपरट्रॉफिक केलॉइड। इटियोलॉजी ऑफ केलॉइड की बात करें तो केलॉइड से ही ये बना है KELOID। इसमें से की का केलॉइड का की फैक्टर्स सर्जरी बर्न्स या वैक्सीनेशन के कारण हो सकता है। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर लैसरेशन और एब्रेजन ओवर द स्ट्रोम इनहेरिटेंस एंड इंजेक्शन और डीप पिगमेंटेशन स्किल ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं और इटियोलॉजी है केलॉइड के। केलॉइड एक ट्रू ट्यूमर नहीं होता। केलॉइड इज नॉट ए ट्रू ट्यूमर बट हैज ए मार्क्ड टेंडेंसी फॉर फोकल रेकरेंस आफ्टर एक्सीजन। पर इनमें ज्यादातर टेंडेंसी होता है रेकरेंस का एक्सीजन के बाद सर्जरी के बाद। केलॉइड बट केलॉइड टेक का शेप ऑफ बटरफ्लाई ओवर द स्टेनम। बटरफ्लाई शेप का होता है स्टेनम के ऊपर। कॉमन साइट फॉर अ केलॉइड इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ट्रीट द केलॉइड ओवर द स्टेनम। अब हम लोग देखते हैं केलॉइड हाइपरट्रॉफिक स्कार के बीच का डिफरेंस। तो केलॉइड किस कारण से होता है? इट अकर्स फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी फेज ऑफ वाउंड हीलिंग। इट नेवर गेट्स वर्स आफ्टर 6 मंथ। और केलॉइड की बात करें तो इट कंटिन्यूज टू गेट वर्स इवन आफ्टर 1 ईयर एंड अप टू ए फ्यू ईयर। इचिंग इज नॉट यूजुअली प्रेजेंट। हाइपरट्रॉफिक स्कार में इचिंग नहीं देखने को मिलता है। अगर प्रेजेंट होता भी है तो वो ज्यादा सीवियर नहीं होता लेकिन केलॉइड में सीवियर इचिंग प्रेजेंट होता है। हाइपरट्रॉफिक स्कार नॉन टेंडर होता है और केलॉइड का मार्जिन इज टेंडर। केलॉइड का मार्जिन टेंडर होता है। हाइपरट्रॉफिक स्कार वैस्कुलर नहीं होता है और केलॉइड वैस्कुलर रेड रेटिनेटस होता है। इमैच्योर ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। हाइपरट्रॉफिक स्कार अपनी बाउंड्री से बाहर एक्सटेंड नहीं करता। डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द ओरिजिनल इंसिजन और वाउंड या इंसिजन के बाहर के बाउंड्री में ये एक्सटेंड नहीं करता। इट राइजेस अबव स्किन लेकिन केलॉइड में देखें तो एक्सटेंड टू नॉर्मल टिश्यू हैज क्लॉ लाइक प्रोसेस। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स अगर देखें हम लोग हाइपरट्रॉफिक स्कार का तो स्कार फॉर्मिंग नॉर्मल क्रीजेस ओवर स्टर्नम ओवर जॉइंट्स और यंग पर्सन्स में ज्यादा ये देखा जाता है। और केलॉइड की अगर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें तो ये ब्लैक रेस में होता है। ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इंसिजन का स्टर्नम ऊपर हो सकता है येलो। इक्वल इन बोथ सेक्सेस हेरिडिटरी और फैमिलियल होगा और वैक्सीनेशन साइट इंजेक्शन साइट इंसिजन साइट पियर्सिंग साइट इन जगहों में केलॉइड होने का चांसेस होता है। नेचुरल हिस्ट्री की बात करें हाइपरट्रॉफिक स्कार की तो ये स्मॉल रहेगा अमेरिका में स्मॉल छोटा हो सकता है ये और केलॉइड उसी साइज करेगा डज नॉट बिकम स्मॉल।
कॉम्प्लिकेशंस, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हाइपरट्रॉफिक स्कार्स के, लॉयड के अल्सरेशन या इन्फेक्शन हो सकता है. ट्रीटमेंट, इट इज ऑफन नॉट नेसेसरी हाइपरट्रॉफिक स्कार के लिए ट्रीटमेंट ज्यादा नेसेसरी नहीं होता. स्टॉकिंग, आर्मलेट्स, ग्लव्स पहन सकते हैं. इलास्टिक बैंडेज हेल्प करता है बेटर. एक्सीजन किया जा सकता है. सिलिकॉन एप्लीकेशन या टॉपिकल रेटिनॉल्स, टॉपिकल रेटिनॉल्स किया जाता है इसमें. फ्लोइड जो है ये डिफिकल्ट होता है. रिडक्शन ऑफ स्टेरॉइड प्रिपरेशन क्रैम लॉन्ग एफिशिएंट कैनाकॉट उसको देना पड़ता है. वो बेटर फ्रेंडली यूजफुल देखा गया है फ्लोइड के केसेस में. ये किलॉइड को फ्लैटन करता है, कम करता है उसकी ऊंचाई, फ्लैटन करता है किलॉइड को. इंट्रा किलॉइडल एक्सीजन इन एंड स्किन ग्राफ्टिंग इज टू बी ट्राइड फॉर लास्ट. केयर शुड बी टेकन नॉट एक्सटेंड टू द नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज. सिलिकॉन एप्लीकेशन और टॉपिकल रेटिनॉल्स इसमें भी देते हैं.